गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 23 अक्टूबर 2021 इंडिया कॉर एक्सपो का पहला दिन और आज मैं मेरे साथ मेरे को फाउंडर मिस्टर पुनीत गुप्ता और मिस्टर संजय बंसल वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग जा रहे हैं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे हम मिलके जो बेस्ट चीज़ें आज के तारीख में हम लोगों ने पूरे देश में और विश्व में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके सीखा है, समझा है, बनाया है, वो मैसेज हम औरों को देने जा रहे हैं कि आओ आप भी अपनी कंपनी को मोर ऑर्गेनाइज बनाओ, मोर सिस्टमेटिक बनाओ और किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए, एक एक बॉक्स की कॉस्ट अगर हम कम ले आते हैं तो फिनिश गुड की कॉस्ट कम आती है। द मोस्ट रिसेंट थिंग दैट वी हैव डेवलप्ड फॉर द इंडस्ट्री इज कैपेसिटी मॉनिटरिंग। कैपेसिटी मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि हम लोग इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट्स करके ये मशीन्स लगाते हैं, हाउएवर डाउन द लाइन साल बाद, छः महीने बाद ये नहीं देख पाते हैं कि ये मशीन्स क्या पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, क्या हमारे पास इनके लिए उपयुक्त वर्कलोड है, क्या हमें किस दिशा में ज़्यादा पुश करना है, क्या हमें सेल्स में पुश करना है, क्या हमें प्रोडक्शन को पुश करना है, क्या हमें किस तरह से पुश करें ताकि हम ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने एक नई रिपोर्ट्स बनाई हैं जिसके अंदर हम हर मशीन की कैपेसिटी इन नंबर ऑफ पीसेस डाल सकें एंड जैसे जैसे प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही है, सिस्टम अपने आप उस डेटा को पॉपुलेट कर हमें हर समय दिखाता रहेगा, रोज जो प्लांट हेड की जिम्मेवारी रहेगी कि क्या मशीन्स कितनी परसेंट यूटिलाइज हो रही हैं, कितने ऑर्डर्स इन हैंड हैं हमारे पास इस महीने के, पीछे महीने के एंड अगले महीने के, ताकि करंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों पर नज़र रह सके एंड हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है या एक्सेस वर्कलोड आया हुआ है। तो इससे हमारे ओवरऑल प्लांट की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होती है। मान लीजिए हमने एक A4 कागज़ पे हमें ये सारा दिख जाता है कि हमारी जो मशीन्स हैं वो कितने परसेंट बुकड है आगे के लिए ताकि हम सेल्स को पुश कर सकें, कितना जो इस महीने का वर्कलोड था वो हमने कितना परसेंट अचीव कर लिया हर रोज के साथ आगे बढ़ते हुए, तभी तो हमारे टारगेट्स पूरे होंगे, एंड कितना परसेंट स्पेयर एंड एक्सेस कैपेसिटी है, इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है। ये हम इस बार प्रदर्शित करेंगे एग्जीबिशन में ताकि सभी लोग उन चीज़ों को यूज़ कर बेटर एंड बेटर बन सकें ताकि हमारा देश और स्ट्रांग हो सके। बहुत बढ़िया। सो देखिए, ये छोटे छोटे इनोवेशन हैं, ऐसे ही एक बहुत अच्छा इनोवेशन है हमारे क्लाइंट के यहाँ जो हम बताएंगे किस तरह हर परचेज वाउचर जो 2 लाख रुपए से ऊपर का है वो कंपल्सरली होल्ड में चले जाता है और एमडी या उसकी टीम रेलेवेंट डिटेल्स को देखकर उस वाउचर को फिनसिस में ओके करती है, उसके बाद ही वो उसके अकाउंट को से पेमेंट हो सकती है। यानी आईटीसी तो आप ले लेंगे डे वन बेस्ड ऑन द डेटा एंट्री, उसको वेंडर को पेमेंट तब होगी जब आप ये वाली स्पेशल अप्रूवल कर देंगे। देखिए क्या खास बात, कोई मेजर काम नहीं हुआ, बहुत छोटा सा काम और आपकी जो एक कंफर्ट चाहिए होता है, यार कोई बिल गलत तो नहीं डल रहा, कोई वेंडर गलत पेमेंट तो नहीं हो रही, तो वो कंट्रोल में आ जाता है। बंसल जी, आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा हो? हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एक बहुत ही रीसेंट इनोवेशन और किया है। जैसे अभी संगीत सर ने बोला कि छोटे छोटे इनोवेशन के साथ हम अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बेटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजेक्शन अलाउंस देते हैं या हम कहते हैं एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोसेस प्लान में हम लोग डाल देते हैं कि भाई 10% हमने आपको वेस्टेज अलाउ कर रखी है शीट्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लाख शीट है तो मैंने 10% के हिसाब से 10,000 शीट्स की वेस्टेज दे दी। अभी हमने नया इनोवेशन किया है जिसमें हमने स्लैब वाइज, हमने आपको स्लैब वाइज और स्टेज वाइज वेस्टेज डालने का ऑप्शन दिया है। बहुत ही यूनिक ऑप्शन है एंड आई एम 100% होपफुल कि ये कॉरुगेशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने स्लैब डाला कि अगर मेरी 0 से 600 शीट्स हैं तो मैं आपको प्लेन के लिए सपोज करिए 20 शीट वेस्टेज देता हूँ या 50 शीट वेस्टेज देता हूँ, उसके बाद उसमें हर प्रोसेस में मैं आपको वेस्टेज देने की अलाउंस कर रहा हूँ, 601 से 2000 तक मैं इतना परसेंटेज वेस्टेज अलाउ कर रहा हूँ, 2001 से 5000 तक इतना, ये आप खुद सेट कर सकते हैं। तो जितना हमारा लंबा जॉब है, जितना बड़ा जॉब है, हमारी वेस्टेजेस उतनी ही रिड्यूस हो सकती हैं और हम और स्ट्रांगली मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में एक यूनिक फीचर और है कि हमने स्टेज में भी इसको मैप कर दिया,
कि अगर इसमें प्रिंटिंग हो रही है तो कितना और हम देंगे, इसमें डाई कट पे हम कितना देंगे, तो आपकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है. वेरी यूनिक फीचर, वेरी वेरी यूनिक फीचर. आई एम होपफुल दैट इट इज सपोज टू हेल्प यू अलॉट. संगीत सर, अपुनीत जी, अब आप हमें बताएं, एक इनोवेशन नेपाल के कस्टमर में आपने किया था कि मटेरियल की मूवमेंट जो हो रही है, मटेरियल की मूवमेंट जो पैलेट के ऊपर मूवमेंट हो रही है, एक स्टेज पे बोर्ड बन गया, अब अगले स्टेज पे जा रहा है, फिर वहाँ से प्रिंटिंग हो गया, फिर अगले पे जा रहा है, तो इस पैलेट की भी क्या बार कोडिंग हो सकती है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़. फ्रेंड्स, जैसे आप देखते हैं कि जब प्रोडक्शन कॉरोगेटर से लगातार निकल रही होती है तो एक के बाद एक जॉब्स बनते जाते हैं और वो शॉप फ्लोर पे रखे होते हैं. हम लोगों ने पीछे पास्ट में नए और बेहतर टैग्स क्रिएट किए हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके थ्रू हर समय हम उन उस पाइल को मार्क कर सकते हैं. अब हमें मैनुअल लिखने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है. इवन डेट एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, अब इसकी कौन सी नेक्स्ट स्टेज है, किस मशीन पे प्रोड्यूस हुआ, सब सिस्टम ही आपको प्रिंट करके दे देगा, जिससे एक तो ट्रेसेबिलिटी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है कि ये सामान किसने बनाया था, कब बनाया था, एंड बड़ा इजीली मार्क रहता है सारे शॉप फ्लोर पे कि ये सामान किस जॉब का है. अदरवाइज़ मैनुअल पाइल टैग लगाना और वो सब करना पास्ट की चीज़ है. हमें सिस्टम के थ्रू जैसे ही सामान बने डबल क्लिक कर वी कैन प्रिंट आउट अ टैग, एंड दैट टैग कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफ़र मटेरियल easily by barcode scanning to the next stage, जिससे कंप्यूटर पर बार बार जाकर एंट्री करने की जो नीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. इस वाले मेथड से हम एक तो स्कैनिंग के मेथड से वी लुक वेरी टेक फ्रेंडली एंड अप टू डेट, एंड सिमिलरली जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बारकोड रीड तो सही ही करेगा, ह्यूमन बींग फिर भी गलती कर सकते हैं, जब स्कैनिंग करके ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें गलती बहुत कम होती है. बारकोड क्या है, कुछ अलग नहीं है. बारकोड तो इंसान का काम आसान करने का एक टूल है, जैसे कंप्यूटर एक टूल है, मोबाइल एक टूल है, तो वैसे ही बारकोड एक प्रिंटआउट है जिसके अंदर जॉब नंबर, तारीख वगैरह सब लिखी हुई है, और जो उसमें नहीं लिखा है वो मेन सर्वर से वो उठा रहा है. तो उस बारकोड की मदद से हमने आज 17 या 18 एप्लीकेशंस बना दी हैं डिफरेंट डिफरेंट फ़ायदों के लिए. आज अकाउंट्स डिपार्टमेंट बारकोड स्कैन करके बिल पास कर सकता है, आज क्वालिटी वाले बारकोड स्कैन करके क्वालिटी पास कर सकते हैं. उन्होंने फिर एमआरआर ढूंढनी नहीं है, एमआरआर तो खुल के सामने आ गई, वेंडर का नाम, आइटम की डिटेल्स सब आ गई. तो लाइफ बहुत इनोवेट कर रही है, और लाइफ के साथ चलना, उस दरिया में आगे बढ़ते जाना, हर रोज नित नया कुछ नया करते जाना, वही खास बात है. पुनीत जी, आप बताएं दुबई के एक्सपीरियंसेस आपके कैसे रहे कॉरोगेशन इंडस्ट्री में? सुना है फिंसेस ने दुबई की तरफ काफ़ी काम किया है, तो क्या क्या खास किया आप दुबई में? विद गॉड्स ग्रेस हमें मिडल ईस्ट में काफ़ी वर्क करने का मौका मिल रहा है. वहाँ पर हमने उन इंडस्ट्रीज़ को वो सारी फीचर्स दिए जो आज तक हम लोग बना चुके थे, उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया. हम लोगों ने ये सारे चीज़ें उनको रेडी ऑन द प्लेटर दी जो उनके पास होती ही नहीं थी, जिससे उनकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑफ वर्किंग काफ़ी बढ़ गई है. उनसे हमने बहुत कुछ नया सीखा भी. उन्होंने हमें ये सिखाया कि हर ग्राम की कीमत है. आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम रिजेक्शन को भी जब तक एकदम मैच नहीं करके चलेंगे तब तक हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं जितना हम सब लोग चाहते हैं. तो एक सिंपल रूल है कि जो आउटपुट प्लस रिजेक्शन शुड बी इक्वल टू इनपुट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो कंट्रोल्स हैं वो लगाने हमारे ही हाथ में होते हैं. हम अगर कम कंट्रोल्स लगाएंगे तो स्टाफ जो है फ्लोर वाला वो भी कम कंट्रोल लगाएगा. अगर हम रिक्वेस्ट और पुश डाउन करेंगे, नहीं हमें बिल्कुल हार्ड और एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो उस हिसाब से अपने आप लोग भी ठीक डेटा डालेंगे. हमें उन्हें सिर्फ एक सिस्टम प्रोवाइड करना होता है जिससे वो टाइम पर एक्यूरेटली डेटा डाल सकें. इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेइंग मशीन से लिंकेजेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इस हिसाब से हों कि उनके ऊपर फुल कंट्रोल से डेटा डले, तो इससे हमारी एक्यूरेसी और डेटा एंट्री का जो हाइजीन है वो बहुत मेंटेन होता है और बहुत अच्छा रहता है. थैंक यू बंसल जी. अल हुरैस दुबई स्पेशल प्रमोशन जोन के अंदर
एक बहुत अच्छी फैक्ट्री है जिसके अंदर आप खुद पर्सनली कुछ बार गए और आपने उन लोग के साथ मिलके उनको इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी दी, तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनको बेस्ट चीज़ें कौन सी उन्होंने इम्प्लीमेंट करी, उन्हें क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम नोटिस करी, जितने भी मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स हैं वो जैसे पुनीसा ने बोला कि उनके लिए पेपर का वेस्टेज वो बिल्कुल नोटिफाई करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे इंडिया में भी उस चीज़ की उतनी ही स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग हो तो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हम लोग पेपर को, वेस्टेज को भी पूरी तरीके से नोटिफाई करें, इनपुट आउटपुट, आउटपुट प्लस रिजेक्शन प्लस वेस्टेजेस, इनपुट आउटपुट वेस्टेजेस को कंट्रोल करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली ऑन द रियल टाइम बेसिस, अनलेस एंड अनटिल द प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड एंड इट इज़ माइग्रेटेड टू नेक्स्ट स्टेज, शिफ्टेड टू नेक्स्ट स्टेज, प्रोसेस वाइज नोटिंग करके उसको प्रॉपर SOP के थ्रू अगर हम लोग वर्क करते हैं तो इंडस्ट्री को हमेशा ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे ही हम सिस्टम्स को पे काम करने शुरू करते हैं ह्यूमन इंटरवेंशंस रिड्यूस हो जाती हैं, और जो हमारी MIS रिपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं और आपको बेटर एनालिटिकल डाटा दे सकती हैं, ऐसा मेरा समझना है। और ये मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो कभी उसमें डेविएशन नहीं लेते सिस्टम में, ये बहुत अच्छी बात है। नेशनल पेपर इंडस्ट्रीज है दुबई की, बंसल जी, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या वहाँ पर जैसे कई जगह हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं सर हमें शॉर्टकट दे दो, हम सीधा FG प्रोडक्शन डालेंगे निकाल लेंगे, क्या वहाँ पर ऐसी साइकोलॉजी थी या नहीं थी, आपने वहाँ क्या देखा इस बारे में? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ एक भी एंट्री डायरेक्ट प्रोडक्शन के थ्रू नहीं होती, कोई भी रील वाउचर जो है एक बार एंटर हो गया तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एडिटिंग इज सो मच रेस्ट्रिक्टेड। तो बेसिकली द ब्यूटी इज दैट कि दे आर ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, और फिनसिस सॉफ्टवेयर हैड एंड वी हैव रेज द फ्लैग वेरी हाई कि एक भी जो कुछ कर दिया उसमें कोई रिवर्सल नहीं है, कोई भी एंट्री डायरेक्ट नहीं हो सकती, पेपर कंजम्पशन वो मतलब उनके लिए तो बाइबल है कि अगर मेरे पास पेपर आया है उसका मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर ही रिजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, दे बिलीव इन होल्डिंग द व्हीकल इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग द सिस्टम। और जैसे ही ये मेंटली आप डेवलप्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके आउटपुट्स डेफिनेटली एनालिसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो संगीत सर दिस वॉज द ब्यूटी। तो पुनीत आपका क्या एक्सपीरियंस था, जो हम NATP की बात कर रहे हैं, नेशनल पेपर इंडस्ट्रीज जो दुबई जोन की UAE की सबसे बड़ी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नेशनल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज उसका नया नाम नेशनल पेपर इंडस्ट्रीज है, तो आज शायद 1.5-2 साल से वो फिनसिस यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपने कॉस्ट पर बॉक्स या वैल्यू एडिशन पर बॉक्स ऐसा कुछ खास काम किया था, उस बारे में आपको कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक जो यूनिक चीज़ हम लोगों ने बाहर देखी है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अप टू डेट डेटा रखते हैं, बहुत कॉस्ट कॉन्शियस रहते हैं। उन्होंने मेरे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि पुनीत ये जो इनवॉइस अभी सुबह बना है इसमें मैंने क्या कमाया? सर PNL अकाउंट तो मंथ एंड में देखा जाता है, ये फिगर डालो वो फिगर डालो सारा किया। उन्होंने कहा नहीं हमें तो अप टू डेट चाहिए उस मिनट तक का कि ये जो इनवॉइस अभी बनकर बाहर जा रहा है इसमें मैंने कुछ कमाया या नहीं कमाया। ये एक मुश्किल क्वेश्चन था, इसके लिए इसका मीनिंग यही होता है कि सारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली हर सब एंड अलावा हो। हमने उनको अल्टीमेटली वो भी अचीव करके दिया जिसके अंदर इनवॉइस वाइज PNL भी आ जाता है कि ये इनवॉइस में जो हमने सामान बेचा इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी जिससे हम इस डेटा को एनालाइज कर सके। तो दिस वॉज अ गुड चैलेंज एंड वी मेट इट।